हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं प्रकाश सर हाजिर हूँ आपके लिए ईबीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। ये प्रीवियस ईयर यानी दिसंबर 2019 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने ईबीएस से रिलेटेड इस पोर्शन में लिए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको सीटेट में, रीट में प्लस एमपीटेट में आपको 30 आउट ऑफ 30 नंबर दिला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एमपीटेट, रीट राजस्थान प्लस सीटेट तीनों का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। तो दोस्तों, अगर आप 30 आउट ऑफ 30 किसी भी पोर्शन में नंबर गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिए। हम आपको अच्छे तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका 15 नंबर पैडागोजी और 15 नंबर थ्योरी, जो भी प्रश्न आपके 30 नंबर आते हैं पर सेक्शन में, उसमें आप मिनिमम 25 कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, 25 आप पर सेक्शन से आपके नंबर आएंगे, ठीक है, चाहे एमपीटेट हो, रीट हो या सीटेट हो। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन पैडागोजी, 15 और 15 थ्योरी, आपको सारे थ्योरी भी बताए जाएंगे एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ, और पैडागोजी के मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके पैडागोजी के 15 में से 15 नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं, ये 30 जो ईबीएस के प्रश्न हैं जो दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था सीटेट का, ठीक है, उसके ये प्रश्न मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। जैसा कि आपको होता है, 5 इसमें सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है आपका साइकोलॉजी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का, दूसरा जो होता है मैथ का होता है, तीसरा जो होता है आपका होता है इन्वायरमेंट का, चौथा और पांचवा में 2 लैंग्वेज होते हैं, आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं 20 लैंग्वेज में से। तो आमतौर पर बच्चे जो होते हैं संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा तीसरा पोर्शन है, तीसरा पोर्शन इन्वायरमेंट का होता है। इनमें से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छे से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। और जो भी जितने भी सीटेट के अब तक पेपर हुए हैं दोस्तों, आप उठा के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सेम सेम, बस फॉर्मेट अलग होता है दोस्तों। फॉर्मेट मतलब अलग क्या होता है, फॉर्मेट एक ही होता है, बस क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेट एक ही होता है, पूछने का तरीका बस चेंज हो जाता है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, बस तरीका उसका बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अब फॉर्मेट जो होता है एक ही होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इसी टाइप के, आप किसी भी जो भी 2011 से अब तक सीटेट पेपर, कोई भी पेपर उठा के देख लेंगे आप, इन्वायरमेंट का जो पोर्शन होगा या कोई भी प्राइमरी लेवल का, इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बुक में से इन्वायरमेंट का तो आता ही आता है, प्लस पैडागोजी आपका मैं इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत, गुजरात से नगरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा, ठीक है दोस्तों। यह ट्रेन सूरत से 7:45 बजे चली, मतलब 19:45 शाम 7:45 चली, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 सुबह नगरकोइल केरल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किमी है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। दोस्तों, मैं आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बस एक जोड़ घटाना गुणा भाग इसी के माध्यम से आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जिनको मैथ नहीं आती वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर इजीली रूप से कैसे आ सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन से कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत, गुजरात से नगरकोइल, केरल जाने के लिए बैठता है, ठीक है। 29 नवंबर 2019 को 7:45, 19:45, ठीक है दोस्तों। और ये पहुँचता कब है, 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है दोस्तों। तो 7:45, 29 नवंबर, आपको जैसा पता है नवंबर जो होता है 30 का होता है और 29 नवंबर को निकलता है, तो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक कितना हो गया, 24 आवर। 29 नवंबर से
ये निकला और पहुंचा 1 दिसंबर को। तो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरा 7:45, 24 आवर हो गया। अब देखिए ये पहुंचता है 1 दिसंबर को सुबह में, तो 7:45 शाम है, तो सुबह में आप देखिए कैसे 7:45 आप सुबह यहाँ कर दीजिए, कितना इसमें जोड़ दीजिए, 12 घंटा, ठीक है, कितना हो गया, 36 घंटा ये, ठीक है। अब हमारे पास बच कितना गया, 7:45 11:45 हुआ, 4 घंटा और जोड़ दीजिए, 36 प्लस 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40, 40 घंटा यात्रा करता है वो। और दूरी कितनी है, 2120 किलोमीटर। तो 2120 से आप डिवाइड करेंगे 40, तो आपका कितना आ जाएगा, 53, देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 25 20, बचा आपका कितना, 1 4 3 12, ठीक है। औसत ट्रेन की औसत चाल क्या थी, 53। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरह। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में वेट लिफ्टर, इसमें इस बार पूछा गया है कौन वेट लिफ्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी। ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में कि कर्णम मलेश्वरी किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ लीजिए, कर्णम मलेश्वरी कौन सा खेल खेलती हैं, वेट लिफ्टर हैं। ये पूछ लीजिए था कर्णम मलेश्वरी अब तक भारत से बाहर कितने मेडल जीत चुकी हैं, तो 29 मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, 29 मेडल जीत चुकी हैं। और ये 12 वर्ष की उम्र से इन्होंने प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इतने आप लोग इनसे याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी इनमें से आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, ठीक है, देख लेते हैं, चुकंदर, आलू, अदरक, ठीक है, इसमें जड़ और तना दोनों है, गाजर, हल्दी, अदरक, इसमें भी जड़ तना दोनों है, और देख लेते हैं शकरकंदी, मूली और हल्दी, ये भी नहीं हो सकता, गाजर, चुकंदर और मूली, ये जड़ों का समूह होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ए अबू धाबी में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी राजस्थान के रेगिस्तानों में, डी संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारे जो दोस्त पेपर देने गए थे, मैंने देखा तो उन्होंने मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, रेगिस्तानी ओक आ गया था, रेगिस्तान से लोग अबू धाबी लगा के चले आए, लेकिन ये क्लास 4th में दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निफेंथिज, ठीक है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देख लेते हैं, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है, ठीक है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। देखो दोस्तों इस पे भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन किया था, इस क्वेश्चन पे, ठीक है, चैलेंज किया था, बट ये केवल वर्ड जो है ना, केवल नहीं हो सकता, यह सभी प्रकार के कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह छोटे कीड़े मकोड़ों के खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ए और बी, देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन ए ही राइट है, एक ए और बी दोनों सही है। ये मेघालय में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका पत्ती एक मुँह इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। डांडी, जहाँ से गांधी जी ने कौन सी यात्रा प्रारंभ की थी, नमक तोड़ो, ठीक है, एक आंदोलन उन्होंने चलाया था जो कि स्थित है डांडी गुजरात में स्थित है, आप सबको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। सिनकोना कुनेन के छाल से उपचार जिसका किया जाता है, तो वो हमारा राइट आंसर का मलेरिया, ठीक है। ये भी 5th में दिया गया क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, 5th के इन्वायरमेंट की बुक में साफ साफ लिखा गया कि ठंड
ठंड होकर जो बुखार आता है, ठंड के साथ बुखार आता है, तेज बुखार आता है, वो मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं प्राइमरी की बुकों में। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। देख लेते हैं इसको, थोड़ा आपको बता देता हूँ। कोई डॉक्टर है, उसका घर एक्स पे स्थित है, ठीक है, और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, ये मान लीजिए डॉक्टर का घर है एक्स, ठीक है, डॉक्टर का घर है एक्स और उसका अस्पताल मान लीजिए वाई है, ठीक है। उसके घर जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। डॉक्टर पहले ए पर जाता है, वो अपने घर पे है तो पहले ए पे जाता है, ये मान लीजिए ए है ये, ठीक है, आ गया इधर ए, जो कि जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो ठीक पूर्व में ये ए है, ठीक पूर्व में 600 मीटर आता है। आपको दिशा तो पता ही होगा ना, बना देता हूँ मैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट पे आता है 600 मीटर, ए जो है, ए पहले ए पर आता है जो 600 मीटर दूरी पर पूर्व में स्थित है। फिर वो बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, बी बी नीचे आ जाइए, दक्षिण में कितनी दूरी चलता है 450 मीटर, ठीक है। फिर वो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, देखिए पश्चिम, ये सी यहाँ स्थित है मतलब वेस्ट की तरफ, तो कितनी दूरी जाते हैं 120 मीटर। अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल में पहुँचते जो सी के ठीक उत्तर में, फिर ऊपर जाते हैं उत्तर में, ठीक है, 120 मीटर दूरी पर स्थित, 90 मीटर दूरी पे। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है, देख लीजिए, यहाँ से चला और पहुँच गया कहाँ पे, फिर उसी दिशा में, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर दूरी देखेंगे 600 मीटर, 450 मीटर, 120 मीटर और 90 मीटर, तो ये जो दिशा है किधर प्रदर्शित कर रही है, उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। ए एक झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। दोस्तों चेराव जो नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो मिजोरम के लोग करते हैं। और ये फसल की कटाई, ठीक है, धान के फसल की कटाई पर मिजोरम के लोग चेराव का नाच उसकी खुशी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, देख लीजिए, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, बस उड़ीसा नहीं है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ भी आपका केरल है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, केरल भी है, कर्नाटक भी है, छत्तीसगढ़ नहीं है, राइट आंसर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा आपका आ गया है पैडागोजी, पैडागोजी को मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, देखिए नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही, जय क्रिएटिव की बात हो जाए और राइट हो जाएगा, नहीं यहाँ पूछ रहा है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संकलन करना, देखिए हैंडक्राफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, हाथों से करना, स्वयं से करके बच्चे अधिक तरीके से सीखते हैं, भी पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य है, कराना चाहिए बच्चों को, स्वयं कर कर सीखने का काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है, स्वयं से करके सीखने में बच्चे जल्दी सीखते हैं। तीसरा है प्राकृतिक संस्कृति को सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचाने और समझने बच्चों को प्रशिक्षित करना है, बिल्कुल सही है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये गलत हो जाएगा, या सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करने की बात की जाए, ये पर्यावरण अध्ययन का कोई शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये इससे कोई भी मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा देख लेते हैं, 71 के बाद से आ गया 75, नीचे देख लेते हैं, नीचे शायद होगा, हाँ 72।
पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण के उदाहरण मुद्दों को। 3 से 5 की बात, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक और विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, देख लेते हैं आगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को। नहीं, गलत हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन तो ऐसे देखने पर आपको आंसर में ऑप्शन में लगता है कि सारे सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे अधिक सही आपको कौन सा लग रहा है वो सिलेक्ट करना है, सबसे अधिक बेटर। ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगे वो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं खुद पे अप्लाई करके। एक बच्चा होके आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे के लिए क्या इसमें सबसे अधिक ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलते हैं 73 के नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। वैसे आगे देख लेते हैं, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये भी वैसे सही है। कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा 1, 2 तक के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को तो बात ही नहीं करता प्राइमरी में, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, कक्षा 1, 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित जो होता है 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, इनके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। और जो तीसरा कह रहा है, कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम, नहीं, इसमें 3 और 2, 3 और 4 में तो पर्यावरण अध्ययन आ ही जाता है। ठीक है, 3, 4, 5 में, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। 74 की तरफ चलते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। मैंने आपको एक वीडियो बना उसमें बताया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ही राइट है। याद करने की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। याद करने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी विषय में। ठीक है, पर्यावरण सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, वैसे ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये अधिक सही लग रहा है। पर्यावरण शिक्षक केंद्रित है, ये तो बिल्कुल, यहाँ NCF कहीं शिक्षक केंद्रित की बात ही नहीं करता अब, क्योंकि NCF 2005 जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं इसमें बात क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को पर्यावरण सीखने की बात की जा रही है, तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ज़्यादा सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप उठा के देखिएगा कि हर एक सीटेट के पेपर में, चाहे प्राइमरी हो जूनियर हो, दोस्तों ये पूछा ही पूछा जाता है, थीम है। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम अंडर द थीम सजेस्ट इन दी एवियस सिलेबस। इसमें ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण कौन है। तो देखिए, पहले आपको मैं बताऊंगा, देखिए 2018 के जुलाई में भी और दिसंबर में भी, फिर 19 के दिसंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। हर बार एक क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। आपको सारा चीज़ अगर यहाँ पे पता रहेगा, थीम कितने थीम हैं और उप थीम कितने हैं, मतलब उप प्रकरण और मेन प्रकरण और सब प्रकरण कितने हैं, आपको अगर पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। तो देख लेते हैं, पहले मेन थीम जो है, मुख्य थीम कौन कौन से हैं पर्यावरण अध्ययन के, तो मुख्य थीम 6 हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन के, 6 थीम है। ठीक है, पहला है परिवार और दोस्त, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है भोजन, ये मुख्य थीम है। और तीसरा के देख लीजिए, तीसरा है दोस्तों पानी, चौथा है यात्रा, पांचवा है आवास,
और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देख लीजिए, पहला है परिवार और मित्र, मुख्य थीम बता रहा हूँ, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है यात्रा, पांचवा है आवाज, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, और परिवार और मित्र में चार उप प्रकरण हैं। संबंध, देखिए उप प्रकरण कौन कौन से हैं, संबंध, ठीक है, कार्य और खेल, कार्य और खेल, ठीक है, पशु और पौधे। तो आपको ये दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा मुख्य थीमों में से नहीं है, और या ये दिया जाता है कि इनमें से कौन सा मुख्य थीम है। मुख्य थीम अगर पूछेगा तो तीन उप प्रकरण का देगा, और अगर उप प्रकरण पूछेगा तो तीन आपका मुख्य देगा। तो ठीक है, आप इसे याद रखिए, छह मुख्य थीम है, परिवार और दोस्त, ठीक है, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। उप प्रकरण केवल परिवार और मित्र में ही चार हैं और किसी में नहीं है, संबंध, कार्य, पशु, पौधे। आप याद रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन एक नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय गतिविधि क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों का संबोधन करना, सही लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, सही तो ये भी लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन के छह प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। केवल पाठ्य पुस्तक आश्रित, केवल बात आ गई, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि नहीं है, तो रेखीय आयोजन करना प्रकरणों का ये कोई गतिविधि एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं को संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना है, वैसे सही है, लेकिन विभिन्न कक्षाओं के बहुत सांस्कृति, मतलब कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग उनकी मातृभाषाएं होती हैं, मदर टंग होती है, तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। तब सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा की एक्टिविटी गतिविधि है इम्पोर्टेंट, तो वो है विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है, बच्चों को सक्रिय भाग लेना, अगर बच्चे एक्टिव रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है उनके क्रिएटिविटी के वो बढ़ावा देने के लिए। बच्चों के देख ले, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याकरण, परिभाषा, रटना, नंबर, ये सब जहाँ आ जाए वो आप ऐसे ही कट कर देंगे। तो ए, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं 78 की तरफ। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, देख लीजिए, वृत्तांत, नैरेटिव्स, बी कहानियाँ, स्टोरीज, ठीक है, प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। सी हमारा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे तो सही हमारा चारों है, लेकिन वृत्तांत, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी एक को तो छोड़ नहीं सकते, ए बी सी अगर हम करते हैं, ऑप्शन फोर करते हैं, तो हमारा डी छूट जाएगा, जो कि डी सर्वाधिक इसमें इम्पोर्टेंट है, तो हमें डी को तो छोड़ना नहीं है, डी को ऐसे ले सकते हैं। अब डी किस किस में है देख लीजिए, पहले डी आपका सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आपको टू को और फोर को गलत कर देना है, और रही तीसरी की बात, इसमें आपका दो ही ऑप्शन है और हमारा सही तो चारों है, तो हम कौन सा राइट करेंगे, ए बी सी, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को कोरिलेट करके अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत है। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 25+ आपका नंबर आएगा पर सेक्शन में। ठीक है, सीटेट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बस आपके माइंड सेट की बात होती है,
माइंड आप किस तरीके सेट कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका नंबर। सबसे अधिक डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर अधिक से अधिक आप लेके उसको सॉल्व करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, पर क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेट वही रहता है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, क्रिएटिविटी का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, कोई बच्चा चित्र बनाता है तो अवलोकन रचना कौशलों का क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिविटी का उसे डेवलप उसमें हो रहा है, तो ये ए बी दोनों सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। ठीक है, एस्टेथिक सेंस ऑफ चिल्ड्रेन डेवलप, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ए बी सी हमारा तीनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा। शिल्प कला और चित्रकला को समूह में कर कर सीखने पर बल दिया जाता है, समूह में कर कर सीखने पे बल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा। कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान बहुत प्रभावशाली युक्ति है, बिल्कुल गलत है। ऐसे तो शिक्षक क्या करेंगे कि बच्चा अनुशासनहीन है तो उनको ग्रुप में डाल देंगे, अपना बोझ कम कर लेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षक को ऐसा नहीं करना है, खुद के बोझ को दूसरे पर नहीं डालना है। ठीक है, ये तो गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है, ये ठीक है। समूह में सीखने से कहा तो जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर रहता है वो भी बच्चों के साथ अच्छा सीखने की कोशिश करता है, ये आपका राइट हो जाएगा। सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बना, समूह सीखना जो बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, अलग अलग रहते हैं, वो बच्चे समूह में सीखने से, इंट्रैक्शन करने से, सोशल इंट्रैक्शन से क्या होता है, उनमें इम्प्रूव होता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आती है और काफ़ी अधिक उनमें विकास डेवलपमेंट होता रहता है, तो ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने का कोई यहाँ पे तात्पर्य ईवीएस के अंतर्गत नहीं है, ईवीएस का किसी भी एनसीएफ के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ आरटी, आप हमारे साथ बने, एनसीएफ और आरटी के बारे में मैं एक एक वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वेन हिले के भी लाऊंगा, बी एस ब्लूम का, वेन हिले, ठीक है, और वेन हिले और बी एस ब्लूम, इनके भी वीडियो में एक एक लाऊंगा। वेन हिले, बी एस ब्लूम, एन सी एफ आर टी, इन चार टॉपिक के मैं वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, देख लेते हैं। परिवार के सदस्य, बिल्कुल, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ठीक है, परिवार के सदस्यों द्वारा आप प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, समुदाय के सदस्यों के द्वारा सीख सकते हैं, समाचार पत्र के द्वारा, लेकिन कक्षा जो है पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन नहीं है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन हो जाती है, एक इसका बैकग्राउंड जो दायरा होता है वो सीमित हो जाता है। ठीक है, लेकिन परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पर, इनका दायरा सीमित नहीं होता है, इसलिए एनवायरनमेंट को सीखने का सबसे अधिक ये उपयोगी हो जाते हैं। ए बी सी हमारे तीनों राइट हो जाएंगे। 82 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो देख लेते हैं। वैश्विक से स्थानीय, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त क्या होता है, अमूर्त से मूर्त मतलब पहले बच्चों को बताएंगे कि हाथी की कल्पना करो, उसके बाद से कहेंगे कि बच्चों ये हाथी है, तो ऐसे बच्चे कम प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से फिर वही बात हो जाएगी, ज्ञात से ज्ञात हमारा राइट आंसर है। ज्ञात से ज्ञात में क्या आएगा, पहले बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों ये हाथी है, हाथी दिखाएंगे, बच्चों देख लो ये हाथी है, उसके बाद से बच्चों से कहेंगे बच्चों कल्पना करो हाथी के कितने पैर हैं, हाथी के सूंड है कितने हैं, आँख कितने हैं, ऐसे कान कितने हैं, हाथी कैसी दिखती है, आप अपने ड्राइंग में बनाओ। तो बच्चे अगर देखे रहेंगे तो अज्ञात से ज्ञात की तरफ इसका तात्पर्य यही होता है, किसी वस्तु को देखकर और उसे मन में, माइंड में एक स्कीमा बनाना, स्कीमा का निर्माण करना और फिर उसे
अपने पुस्तकों में अपने क्रिएटिविटी के द्वारा हमें बताना। ये होता है अज्ञात से, ज्ञात से ज्ञात, अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात में ये हो जाएगा। चलते हैं 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, साधन रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। पहले इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल हो जाता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की, बच्चा स्कूल में आता है तो उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में एक एक पॉइंट को पोर्टफोलियो में उसके नोटिस कर लिया जाता है। पहले बच्चे ने कैसा अध्ययन किया, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, बच्चों की रुचि किस में है, तो इस सब का, सब चीज़ों का लेकर पोर्टफोलियो में बच्चों का एक बनाया जाता है, डेटा लेके कलेक्ट करके और पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक का आकलन साधन नहीं है। तो ये तो है, क्योंकि ये इसके द्वारा बनाया जाएगा तो हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाना है, बच्चों में क्या कमी है। क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी में ये होता है कि एक एक क्रम को उसका देखा जाता है कि बच्चा कि बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का तरीका, सब एक एक क्रम को देखकर फिर उसको हम उसके द्वारा उसकी कमियों को पता लगाकर उसे अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। वर्णन अभिलेख, एनकोडोटल रिकॉर्ड्स, इसके द्वारा भी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऐसा नहीं है कि बच्चों को साल भर देखे ही नहीं और एग्ज़ाम करा दे और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है उसके माध्यम से हम उसे सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर हम बच्चों को क्रिएटिव नहीं बना सकते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, और नहीं पूछ रहा है तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण हमारा राइट हो जाएगा। 84 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 4 की EBS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, बच्चों को सीखने में गुणात्मक आकलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। ठीक है, इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सही या गलत में उसको बताने लगेंगे बच्चा ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब ये बताएं बार बार उससे कहेंगे गलत है गलत है गलत है तो डिप्रेशन में आ जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा वो। ठीक है, चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, देखिए बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, सही हो सकता है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि उनमें सारे चीज़ आ जाते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करना, उनका अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, उनके पास अनुभव, अपने एक्सपीरियंस साझा करना, पर ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस अब शेयर करेंगे और उस पर फिर डिस्कशन करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर राइट हो जाएगा। 86 की तरफ देख लेते हैं। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, सूची में निम्न से कौन दूसरों से भिन्न है? देख लेते हैं। मछली, घड़ियाल, कछुआ ये क्या है, जलचर हैं, और कौवा जो है स्थलचर है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, दूसरों से भिन्न है। देख लेते हैं 87 नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 87 में क्या है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया गया, इसमें दिया गया 4 ऑप्शन दिए गए हमारे और उन चारों को मिलान करना है। ठीक है, तो हांगकांग, हांगकांग में क्या होता है, सांप को मार के और उसे वहाँ के रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, जिससे किस नाम से जानते हैं हम, ली हू फेन, पूछा जाता है कि ली हू फेन नामक भोजन, ली हू फेन याद रखिएगा, कहाँ पे मिलता है, तो हांगकांग में मिलता है पकाया हुआ सांप। 1 का फर्स्ट, 5th हो जाएगा केरल कि किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपियोका, टेपियोका क्या होता है, टेपियोका जो सफ़ेद सफ़ेद से अपने यहाँ मिलता है क्या बोलते हैं उसे बताइए, साबुदाना, उसी को टेपियोका के नाम से जानते हैं। टेपियोका जमीन में होता है जो केरल में पाया जाता है, उसको निकाल के सुखाया जाता है, फिर सुखाकर मशीन के द्वारा उसे गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों में के
में बनाया जाता है। तो ये टोपी टेपियोका होता है, साबूदाना जिसे हम आमतौर पर बोलते हैं, आपको पता आपने खाया भी होगा, उसी को टेपियोका बोलते हैं। टेपियोका फल जमीन में होता है और उसी से कड़ी बनाई जाती है। कश्मीर राइट है सर। सरसों के तेल में बनी मछली, बिल्कुल राइट है, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पे खाया जाता है? कश्मीर में, गोवा में, नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली गोवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। राइट आंसर होगा टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके से आगे पीछे करने की बात हो रही है दोस्तों। तो उल्लू जो है अपना गर्दन झटके से तो नहीं करता, ये अपना गर्दन पूरा गोल घुमा देता है। ठीक है, मतलब अपनी पूरी गर्दन को घुमा देता है। तो राइट आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये लगा के आए थे, देखिए यहाँ पे टिक भी ये लगा हुआ है। तो कौवा, कौवा भी नहीं है, कौवा बसंत गुर्ती बिल्कुल गलत है। बसंत गुर्ती टुक टुक करती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, और कौवा जो होता है, कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसलों में डाल देती है, जो कि कौवा अपने अंडे समझकर उसको पोसता रहता है। तो हमारी ये दोनों तो चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दिया। उल्लू हमारा होगा ना, उल्लू तो पूरा गर्दन घुमा देता। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार किए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस को खंभे पर बनाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों असम में होता है ऐसा। ठीक है, असम में घर जो होते हैं बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के दो मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत सामान और जानवरों को रखते हैं। ये भी सही हो जाए, ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 90 नंबर जो हमारा लास्ट आज का होगा ईबीएस का। इसके बाद हम और भी अनेक जो प्रीवियस ईयर के हैं जो भी सब्जेक्ट हैं उनके एक एक करके आपको एक एक पोर्शन करके हम आपको कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर चैनल को लाइक शेयर एंड अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। देख लेते हैं 90 नंबर और लास्ट का कुछ। हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, हमारे क्या सही है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ठीक है, और एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये राइट हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ नंबर क्लास में दिया गया है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उसका वजन जो होता है वो 200 kg होता है। 200 kg ये झाड़ियाँ और पत्तियाँ नहीं खा लेता है, लगभग 100 kg खा जाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये राइट हो जाएगा। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले, ये भी सही है। मतलब अगर हाथियों का झुंड होता है 10, मान लीजिए हाथियों में लगभग 8 से 10 झुंड हो, एक झुंड में लगभग 8 से 10 हाथियाँ होती हैं, उनमें जो मुखिया होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। देखिए किसमें ए और सी डी, ऑप्शन सी इज राइट। दोस्तों इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम आप यहाँ पे सीटेट के वो कराते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो सीटेट एमपीटेट और रिट में आप 120 से 125 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार कराए जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको यहाँ पे शेयर करूँगा और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको कराऊँगा। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।